एक पंखा जिसका अंकित मूल्य 150 रुपया है, 20% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि पंखा जो है वो हमको 150 रुपया में, इसका प्रिंट है जो MRP होता है RS वो 150 है, तो और 20% की छूट मिलता है, तो इसकी विक्रय मूल्य यानी कि वो हमको कितना रुपये में मिलेगा? तो इसको कुछ नहीं करना, जितना मैं देता है उतना लिखना है, यानी कि हमको 150 में दिया, तो 150 गुना कितना परसेंट छूट मिल रहा है, 20 रुपया, तो 20 लिखना है, कितना मिलता है, तो 20% है, 3% के 100 होता है, तो यहाँ पे 100 लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना। अब इसको काट छाट कर देना है, तो यहाँ से आता है 30 रुपया। अब टोटल MRP कितना था, जो प्राइस था इसका 150, तो इसको 150 में से माइनस कर देना है, यानी कि हमको छूट कितना मिला, 30 रुपया। तो कितना रुपये में विक्रय मूल्य पूछ रहा हमसे, यानी कि हमको कितना रुपये उसको देना होगा, यानी कि दुकानदार को कितना रुपये देना होगा, तो 120 रुपया, 120 रुपया देना पड़ेगा, तो इसका विक्रय मूल्य 120 रुपया, आंसर कितना होगा, 120। तो आप इस तरह से किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, इस तरह कोई भी आप सामान हो उसको यहाँ से देख लीजिए, और उसके बाद आपको जितना परसेंट छूट मिल रहा है आप उसको 20% या आपको 30%, तो 30/100 हो जाता, और यहाँ पे काट छाट के जो भी आंसर होता वो आ जाता।